हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शंकु पेपर, जो स्टेट बोर्ड का आज पेपर हुआ है उससे बायोलॉजी का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी पार्ट से, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पेपर अगर आप देखेंगे, पेपर चेक करेंगे तो 71 क्वेश्चन नंबर से आगे क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, 71 से 110 तक हमारे क्वेश्चन थे, 110 तक क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स दे आर इंक्लूडेड अंडर, पूछा गया है कि नेकेड सीड्स जो होते हैं, नेकेड सीड्स प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से अंडर प्लांट क्लासिफिकेशन में उसको ग्रुप किया गया है, उसको क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर सीड बियरिंग प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं कवर्ड सीड्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा सेकेंड, जिम्नोस्पर्म्स। 72 क्वेश्चन नंबर, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू। यहाँ पर हमें कॉलम वन में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दिया है और कॉलम टू में हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एल्गी के एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी कॉलम वन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है एल्गी। एल्गी के अगर एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल कॉलम टू में जो सर्गेसम है वो एल्गी है, उसके बाद दिया है मर्केंशिया जो कि एक एल्गी है, सॉरी मर्केंशिया ब्रायोफाइटा है, एल्गी में स्पायरोगायरा आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फिफ्थ, इसमें जो फर्स्ट है इसके जो मैच आएंगे वो आएंगे फर्स्ट एंड फिफ्थ। फिर उसके बाद सेकंड जो दिया गया है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अगर आप मैच देखेंगे तो मर्केंशिया है और फिनारिया है, तो मर्केंशिया का नंबर है थर्ड और फिनारिया का नंबर है सिक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो टेरिडोफाइटा में यहाँ पर आएगा लाइकोपोडियम फिनारिया पाइनस। ठीक है, ओनली लाइकोपोडियम इज देयर थर्ड। जिम्नोस्पर्म में अगर एग्जांपल देखेंगे आप, सो जिम्नोस्पर्म इज सिड्रस एंड पाइनस, सो सेकंड, सॉरी ये क्या है, टेरिडोफाइटा का नंबर गलत हो गया ना, ये टेरिडोफाइटा का जो नंबर है वो लाइकोपोडियम फोर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सेकेंड और उसके बाद आएगा सेवन। ठीक है, तो ये अगर हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 1 5, फर्स्ट का 1 5 आना चाहिए, सेकंड का 3 6 आना चाहिए, फिर उसके बाद थर्ड का फोर्थ और उसके बाद 2 and 7। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर 72, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखेंगे आइडेंटिफाई ABCD फ्रॉम द गिवन डायग्राम। डायग्राम आपको दिया गया है, किसका डायग्राम है ये, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया है, इसका मतलब ये एनाफेज का डायग्राम है। एनाफेज का ये डायग्राम है, प्लांट सेल में एनाफेज हो रहा है और उसमें हमें दिए गए हैं कि ए क्या है, सेल वॉल है, बी क्या है, क्रोमोसोम है, सी है सेंट्रोसोम और डी है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, ऑप्शन टू इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर देखिए, रिजर्व और स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। तो प्लांट्स में होता है स्टार्च और एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, प्लांट में स्टार्च होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, इफ अ सेल हैविंग 14 क्रोमोजोम इन G1 फेज, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बिफोर एंड आफ्टर S फेज। तो बिफोर एंड आफ्टर यस फेज क्रोमैटिन मटेरियल का अमाउंट बढ़ता है, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल अगर G1 में 2C है, यस फेज और G2 फेज है, तो यस फेज में ये 4C होगा, G2 में भी ये 4C रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 दिए हैं, जो कि यस फेज में भी 14 रहेंगे और G2 में भी 14 रहेंगे। एनाफेज में सिर्फ इसका क्या होता है, डिविजन हो जाएगा। ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। इफ मेल पैरेंट इज टेट्राप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट इज डिप्लॉइड,
मेल पेमेंट पेरेंट हमें फोर एन दिया है और फीमेल गैमेट दिया है, ये पेरेंट नहीं दिया है गैमेट दिया है, तो इसका गैमेट अगर होगा तो वो टू एन होगा और फीमेल गैमेट हमें टू एन दिया है, फ्यूजन होगा तो फोर एन बनेगा, इसका मतलब ये टेट्राप्लॉइड बनेगा, जाइगोट क्या बनेगा, टेट्राप्लॉइड। यहाँ पर ये ध्यान में रखना, ये मेल पेरेंट दिया है और ये फीमेल गैमेट दिया है, तो पेरेंट का पहले गैमेट बनेगा तो वो हाफ बनाएंगे आप मियोसिस से, ठीक है। इफ मेल पेरेंट इज टेट्राप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट इज डिप्लॉइड, ठीक है, तो डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड हो जाएगा, ये टेट्राप्लॉइड थर्ड आंसर आएगा 76 का, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, हमें पता है डीएनए मॉलिक्यूल में कौन सा शुगर होता है, डी ऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कंप्लीट द गिवन चार्ट ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये रॉबर्ट विटेकर्स क्लासिफिकेशन का हमें चार्ट दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बी और सी में डिवाइड किया है, तो बी और सी आएंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप ऑफ सेल, सो बी आएगा, बी विल बी प्रोकैरियोटिक, सी विल बी यूकैरियोटिक, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, तो ए आना चाहिए हमारा प्रोकैरियोटिक, बी आना चाहिए हमारा यूकैरियोटिक, देन सी जो आना चाहिए यहाँ, सॉरी बी सी आना चाहिए, ये आना चाहिए बी सी, बी और सी, ठीक है, बी सी। उसके बाद ए पूछा गया है, तो यूनिसेल्युलर है तो डेफिनेटली ये मोनेरा होगा, मोनेरा हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, बैक्टीरिया दिया है मोनेरा की जगह पे, तो ये आएगा बैक्टीरिया, और डी ई जो है डी और ई, तो ये सी यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आएगा, यहाँ पर आना चाहिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद जो ई है वो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब ये प्रोटिस्टा आना चाहिए, ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखने चाहिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर एंड प्रोटिस्टा, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 78 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 78 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर देखना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मशरूम मल्टीसेल्युलर है, क्लामाइडोमोनास इज यूनिसेल्युलर, क्लोरेला इज यूनिसेल्युलर, एक मिनट, क्लोरेला युगलिना पैरामेशियम, यस क्लाइमेडोमोनास क्लोरेला युगलिना पैरामेशियम विब्रियो, ये पांच जो है ये यूनिसेल्युलर है और बाकी बचे हुए चार जो है वो मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर में आएगा वोल्वॉक्स मशरूम एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये सारे क्या है, ये एल्गी है इसमें और बाकी सारे क्या है, फंगस है, ठीक है, युगलिना पैरामेशियम वोल्वॉक्स, ठीक है, तो इसमें चार जो है वो मल्टीसेल्युलर है, पांच जो है वो यूनिसेल्युलर है, सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 79, 79 में ऑप्शन थ्री करेक्ट है, ठीक है, फाइव एंड फोर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 में हमें दिया है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेक्ट है तो वो हमें दिखाई समझ में आएंगे करेक्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में एनर्जी है वो फूड में स्टोर्ड होता है, सो करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो ड्राई वेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्राई वेट ऑफ द प्लांट विल नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनता है या फूड मटेरियल बनता है, इससे कोई प्लांट पार्ट नहीं, ठीक है, फूड मटेरियल बनता है जनरेट होता है जिससे बाद में एनर्जी बनेगी। फोर्थ दिया है CO2 एंड वाटर डू नॉट यूज्ड, CO2 एंड वाटर डू नॉट यूज्ड, तो यहां पर तो CO2 और वाटर जो है डू नॉट यूज्ड बट ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, एक मिनट, द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, CO2 and water do not used but oxygen is evolved,
CO2 एंड वाटर तो इसमें यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं हम। एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड करेक्ट है, ड्राई वेट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, ड्राई वेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अगर स्टोरेज होता है तो इंक्रीज हो सकता है, CO2 एंड वाटर डू नॉट यूज तो वो तो यूज होते हैं, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, बट यहाँ पर दिया है CO2 एंड वाटर डू नॉट यूज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो 80 का आंसर 4 आएगा, 80 का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 इज, हाँ 80 में जो ड्राई वेट का जो स्टेटमेंट दिया है, अगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, इफ कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च देन डेफिनेटली द ड्राई वेट ऑफ द दैट प्लांट विल इंक्रीज, उसका ड्राई वेट इंक्रीज होता है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 81 में देखते हैं, स्टेटमेंट 1 दिया है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगर प्रिंट्स, एंड स्टेटमेंट 2 इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 81 क्वेश्चन नंबर। 82, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के शेप के बेसिस पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, तो टेलोसेंट्रिक दिया है, टेलोसेंट्रिक इज सेंट्रोमियर इज एट द प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एट वन एंड बट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल पोजिशन, एक एंड की तरफ होता है बट एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता है, नियर द एंड होता है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर नियर द एंड होता है, नॉट एट द एंड, ठीक है। थर्ड इज सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज ऑलमोस्ट एट द मिडल, तो ये मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक में नियर द मिडल होता है, वो मिडल पोजिशन होता है, नॉट एट द मिडल पोजिशन, सो एंसर इज सब मेटासेंट्रिक इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट एट द मिडल पोजिशन, थर्ड आंसर आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 इसका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। 83 देखेंगे, ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, तो ए जो है वो रूट हेयर है, बी जो है वो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल सेल्स है, उसके बाद जो सी दिया है वो एंडोडर्मिस है, और जो डी दिया है दैट डी इज झाइलम, आउटसाइड फ्लोएम है, उसके अंदर झाइलम है, तो ए बी सी डी जो है वो है रूट हेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड झाइलम, सो इसमें ऑप्शन सेकंड देखेंगे आप, रूट हेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस झाइलम इज करेक्ट, 83 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 84, क्वेश्चन नंबर 84, मैच कॉलम विथ कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन था ये, येलो रिंकल्ड राउंड ग्रीन, ग्रीन रिंकल्ड एंड राउंड येलो, तो यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि राउंड रिंकल्ड येलो रिंकल्ड दिखाई दे रहा है मतलब 3 होगा, डेफिनेटली 3 होगा, राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये राउंड है और ग्रीन है, मतलब एक जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा जो है वो रेसेसिव है, इसका मतलब ये भी 3 होगा, रिंकल्ड ग्रीन 1 होगा, दोनों भी रेसेसिव है, और राउंड येलो 9 होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी में अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, तो इसका आना चाहिए येलो रिंकल्ड मतलब ये 3 इसका प्रोपोर्शन होता है, राउंड ग्रीन मतलब 3 प्रोपोर्शन होता है, रिंकल्ड ग्रीन 1 प्रोपोर्शन होता है, और डी राउंड येलो कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में हमें इस तरह से आने चाहिए 3 3 3 3 1 9, मतलब ये आने चाहिए सेकेंड थर्ड या थर्ड सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड वन, ठीक है, ये सेकेंड 3 4 एंड 1 इस तरह से ऑप्शंस में, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर 84, क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 इज फॉलोइंग वन इज नॉट कैरेक्टर ऑफ ईस्ट, ईस्ट का ये कैरेक्टर नहीं है ऐसा पूछा गया है, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर फंगस करेक्ट है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया इट इज इनकरेक्ट,
यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल करेक्ट है, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग करेक्ट है. सो ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन टू इसमें करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इज अ शीप डॉली वॉज बॉर्न इन डैश बाय क्लोनिंग टेक्निक ऑन 5 जुलाई डैश. सो इट वॉज स्कॉटलैंड 1996. ऑप्शन वन इज करेक्ट, स्कॉटलैंड में, ठीक है, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में इसको बनाया गया था, इसको प्रोड्यूस किया गया था, डॉली को डेवलप किया गया था. ठीक है, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू. इसमें गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हमें मैच करना है. तो आप यहाँ पर देखेंगे गैशियस साइकिल में नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल आएगी, जो बी सी डी है उसका ए के साथ मैच होगा. और सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो एक ही है इसमें, वो है फॉस्फरस. तो ऑप्शन चेक करेंगे आप ए बी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ए के साथ बी सी डी मैच है और बी के साथ ए मैच है. सो सेकेंड इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 87 में, सेकेंड इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से इनकरेक्ट पेयर हमें ढूंढना है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्वेश्चन है, उनके रोल्स दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम. सो ऑल दीज आर करेक्ट. फोर्थ इज क्लॉस्ट्रिडियम मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड. इट इज इनकरेक्ट क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम हमें पता है टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, इट डज नॉट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, वो तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है. ठीक है, सो फोर्थ इज इनकरेक्ट. 88 में आंसर आएगा फोर्थ. ठीक है, 89 देखते हैं. फाइंड आउट ए बी सी इन द गिवन चार्ट. ए बी सी आपको गिवन चार्ट में फाइंड आउट करना है. तो ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि देखो यहाँ पर हम सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. ये ग्लाइकोलिसिस दिया है, जैसे कि ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज और पायरुविक एसिड दिया है. नीचे पायरुविक एसिड यानी साइटोप्लाज्म में हो रहा है सब कुछ, और फिर दिया है पायरुविक एसिड से बन रहा है ए प्लस सी ओ टू, ए प्लस सी ओ टू साइटोप्लाज्म में हो रहा है. ठीक है, और पायरुविक एसिड से ही बन रहा है बी, फिर उसके बाद इस पायरुविक एसिड से सी भी बन रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है. ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, सी प्लस एच टू ओ, सी प्लस एच टू ओ, तो सी प्लस एच टू ओ इसका मतलब डेफिनेटली जो सी होगा इट विल डेफिनेटली बी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए. बी तो बन रहा है, ए भी बन रहा है, तो यार इसका मतलब ये होता है हमें ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें इथेनॉल ए दिया है और बी दिया है लैक्टिक एसिड, तो इसमें ही हमारा आंसर आ जाता है. जैसे कि सेल में कोई भी सेल होता है तो उसमें अगर वो ईस्ट सेल है तो उसमें इथेनॉल तो बनेगा. ठीक है, ए पाइरुविक एसिड से ए प्लस सी ओ टू बनेगा, मतलब इथेनॉल प्लस सी ओ टू. अगर बी बनेगा तो वो लैक्टिक एसिड बन सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, तो लैक्टिक एसिड बन सकता है. तो बी इज लैक्टिक एसिड, ए इज इथेनॉल. ठीक है, उसके बाद ये जो है वो सी ओ टू है. ठीक है, बाकी ऑप्शन हम चेक करेंगे तो एसिटिक एसिड वो भी बन सकता है, बट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स नहीं बनेगा फिर सी में. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैक्टिक एसिड इज ओके, सी ओ टू प्लस इथेनॉल. ठीक है, सही ऑप्शन आपका ए आएगा, फर्स्ट आएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी आप चेक करेंगे तो उसमें ए को एच टू ओ दिया है जो कि बन ही नहीं सकता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म में एच टू ओ प्लस सी ओ टू नहीं बन सकता है पायरुविक एसिड में. तो यहाँ पर ऑप्शन वन इज करेक्ट फॉर 89 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन वन करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप देखेंगे, 90 में झाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, झाइलम पैरेन्काइमा, झाइलम फाइबर. करेक्ट है ये. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये भी करेक्ट है.
ऑप्शन वन दिया है असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ये इनकरेक्ट होगा, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों भी क्या है ट्रू है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 90 का जो सेकेंड ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है 91 क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लैमार्किज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर की पॉइंट्स फॉर स्पेसिएशन, ये भी करेक्ट है, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है। थर्ड इज ऑर्गन्स सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शंस, दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स नॉट एनालोगस ऑर्गन्स, सो थर्ड ऑप्शन जो एनालोगस ऑर्गन दिया है वो इनकरेक्ट है, एप्स एंड मैमल्स दे आर इवॉल्व इन द सीनोजोइक एरा, ये भी करेक्ट है, सो थर्ड इज द आंसर, इनकरेक्ट जो है वो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इट वॉज गिवन बाय लैमार्क, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, एक्वायर्ड कैरेक्टर की थियोरी जो है वो लैमार्क ने दी है, ठीक है। 93, द गिवन सिम्टम्स दे आर रिलेटेड टू द डिजीज, एनलार्जमेंट ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स, ब्लॉक्ड लिम्फ नोड्स, एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर एंड हेडेक, सो इट इज इन्फेक्शन ऑफ फिलेरियल वर्म, फिलेरियासिस है ये, लिम्फ नोड का ब्लॉकेज हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये फिलेरियासिस है, एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स और आर्म्स भी दिया है, सो ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स है फिलेरियासिस के, ठीक है। सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, 93 का फोर आएगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू, तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल को हमें उनके जो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और कॉमन नेम दिए गए, ठीक है। सो फर्स्ट इज कॉलम वन इज, कॉलम वन में दिया है हमें ऑरेलिया जो कि जेली फिश होता है, तो यहाँ पर सॉली करते हैं, ऑरेलिया दिया है, इसका मतलब ये सेकेंड है। फिर उसके बाद दिया है बी लेपिज्मा इज नथिंग बट द सिल्वर फिश, तो इसका आएगा सिल्वर फिश थर्ड। फिर उसके बाद ऑक्टोपस दिया है जो डेविल फिश होता है, इसका मतलब ये फर्स्ट आएगा, और जो डी दिया है वो आएगा फोर्थ। एस्टेरियास मतलब क्या होता है, ये स्टार फिश होता है, तो 2, 3, 1, 4 आना चाहिए, 2, 3, 1, 4 इज थर्ड, 94 का आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो है एसिड रेन कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, इसका आंसर आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी दिया है, एक्चुअली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से भी एसिड रेन होता है, बट द मेजर प्रोपोर्शन इज सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन का जो प्रोपोर्शन होता है सल्फर ऑक्साइड का एसिड रेन में वो ज्यादा होता है, ठीक है, या उस एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। विच वन इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम एनर्जी इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, पेट्रोलियम एनर्जी फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फोर्थ इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96, 97 देखिए, डायग्राम हम अगर देखेंगे आप, ये डायग्राम दिया गया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें वन दिया है वेजाइना, सेकेंड दिया है यूटेरस, थर्ड दिया है ओवरी, फोर्थ दिया है ओविडक्ट, तो ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 98 देखिए, द गिवन सिम्टम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीज, इसमें आपको रेस्पिरेटरी डिसीज के सिम्टम्स दिए गए हैं, हेडेक है, डिजीनेस है, ब्रेथलेसनेस, ओमिटिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, लैक ऑफ मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन, तो ये है रेस्पिरेटरी डिसीज, ये लंग्स का इन्फेक्शन है, अल्वेओलस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और डिसीज का नाम है एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा एक लंग डिसऑर्डर है, पल्मोनरी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बाकी जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपको एस्पाइक्सिएशन, हाइपोक्सिया, तो ये दोनों भी सिम्टम्स है एक्चुअली, ये कोई डिसऑर्डर या डिसीज नहीं, ये सिम्टम्स है, ठीक है। माउंटेन सिकनेस इज लाइक डिसऑर्डर, ठीक है, ये डिसऑर्डर की तरह, बट यहाँ पर हमें ओमिटिंग भी दिया है, लॉस ऑफ हियरिंग भी दिया है,
इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, एम्फाइसीमा। 98 का जो आंसर है वो है एम्फाइसीमा 99। 99 में देखिए, 99 क्वेश्चन नंबर, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। पैशमीना उल होता है, एग लेयर्स होते हैं इसमें, रोड आइलैंड रेड्स, ये एक तरह के क्या है, चिकन है, रोड आइलैंड रेड जो कि एग लेयर्स है। मुरा जो होती है वो बफेलोज होती है, और पोर्क का मतलब होता है पिक मीट, पिक का मीट जो होता है उसको पोर्क कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस आने चाहिए ए बी सी डी के 2, 3, 4, 1। तो अगर आप चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 2, 3, 4, 1। 99 का आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 100, 100 में एसर्शन और रीजन दिया है, जिगेंटिज्म इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाइट एंड लॉन्ग बोन्स। करेक्ट है एसर्शन, रीजन दिया है, जिगेंटिज्म इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में अगर ज्यादा सिक्रीशन होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो जिगेंटिज्म होता है, तो उसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं। ठीक है, तो ये एसर्शन और रीजन दोनों भी करेक्ट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो आएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 100 में क्वेश्चन नंबर 100 में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 यहां पर लिख देते हैं, 101। ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला स्लोगन वॉज गिवन बाय, सो ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला का मतलब होता है ऑल सेल्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे सेल्स जो है नए सेल्स वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, और ये स्लोगन दिया था रुडोल्फ विरको इन्होंने। ठीक है, सेल थियोरी में हमने इसको ऐड किया है कि रुडोल्फ विरको इन्होंने क्या किया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही नए सेल्स बनेंगे, स्लोगन दिया है। सो आंसर इज ऑप्शन 3, रुडोल्फ विरको। क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर देखना है हमें, हमें दिया गया है साइंटिस्ट के नेम्स और उनके रोल। फर्स्ट वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, सो इट इज करेक्ट। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इट इज आल्सो करेक्ट। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कवर किया था। इन कॉलेरा, साल्क इज अ पोलियो, मिसमैच है। फोर्थ दिया है एंटीबॉडी, इम्यूनिटी का पार्ट होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सो इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इट इज मिसमैच्ड। क्वेश्चन नंबर 103, एन एनिमल हैज बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फूट, विसरल मास, बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, हार्ड कैल्केरियस शेल से बॉडी क्या है इसका कवर्ड है, और एनिमल का बॉडी हेड, फूट और विसरल मास में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये मॉलिस्क का है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर 103। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें देखिए आप, द फेज ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है तो उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं, बट इस पूरे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, ये फेज को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस के बाद प्यूबर्टी आता है, या वो एक स्टेज पे प्यूबर्टी आता है, बट वो पूरा जो फेज होता है उसको एडोलेसेंस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सेकेंड, सेकेंड इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, एसर्शन इज मायोपिया इज एन आई डिफेक्ट इन विच द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये नियर साइटेडनेस होता है क्लियरली, बट डिस्टेंट थिंग्स दे आर ब्लर्ड, डिस्टेंट थिंग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है, रीजन दिया है मायोपिया इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, तो ये करेक्ट है। ठीक है, दोनों भी करेक्ट है, कॉनकेव लेंस से हम उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बट एसर्शन रीजन, ये रीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट द रीजन ऑफ मायोपिया, ये मायोपिया का रीजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड, ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सेकंड।
105 का आंसर आएगा सेकंड. एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मायोपिया का जो रीजन होता है वो सिलियरी मसल्स का वीकनेस होता है. ठीक है, सो सेकंड इज द ऑप्शन. 105 का आंसर आएगा सेकंड. फिर उसके बाद है, इन द गिवन कॉम्बिनेशन द ग्रुप ऑफ सेंसरी क्रैनियल नर्व्स आर. सेंसरी क्रैनियल नर्व्स इसमें कौन से हैं? सो ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक और ऑडिटरी. इसमें जो दिए गए हैं हमें ऑल्फैक्ट्री, ऑडिटरी एंड ऑप्टिक, दीज आर ऑल सेंसरी क्रैनियल नर्व्स. ऑप्शन थ्री है इसका आंसर. ठीक है, द नेक्स्ट 107, क्वेश्चन नंबर 107. इन अ फैमिली फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, वॉट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली. ओके, तो देखो यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी दिया है और मदर का ब्लड ग्रुप जो दिया है वो बी दिया है. इसका मतलब जो जीन्स होंगे या आई बी आई ओ हो सकते हैं या फिर आई बी हो सकते हैं मदर. ठीक है, मदर का ही दिया है हमें बी ब्लड ग्रुप और फादर का तो आई ए ही होगा. तो इसमें जो जीन्स बनेंगे वो बनेंगे आई ए, इस तरह के आई ए आई बी गैमेट्स बनेंगे और यहाँ पर गैमेट का चांसेस है आई बी बनना. फिर दूसरा है आई बनना, सिर्फ आई मतलब ओ होता है वो, या फिर बनेगा यस, ये दो बन सकते हैं. ठीक है, ये भी सेम ही है. कॉम्बिनेशन बनेंगे आई ए आई बी, आई ए आई, आई बी आई बी और इसके बाद कॉम्बिनेशन बन सकता है आई बी आई. ठीक है, तो ये होगा ए बी, ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा बी. तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी और ए बी बन सकता है. ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं. फर्स्ट में दिया है ए एंड बी, सेकंड इज ए एंड ए बी, थर्ड इज बी एंड ए बी एंड फोर्थ इज ऑल एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप ओ. तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ नहीं बन रहा है, बाकी सारे बन रहे हैं. तो ऑप्शन जो है फोर्थ आएगा इसका आंसर. 107 का आंसर आएगा फोर्थ. ठीक है, देन उसके बाद है वन नॉट एट में कॉलम वन और कॉलम टू दिया है आपको, उसको आपको मैच करना है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है. सलाइवरी ग्लैंड टाइलिन एंजाइम होता है, पैंक्रियास का एंजाइम होता है ट्रिप्सिन. ठीक है, यहाँ पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन और बाइल दिया है तो पैंक्रियास का डेफिनेटली एंजाइम होगा ट्रिप्सिन, लीवर बाइल और स्टमक पेप्सिन. ठीक है, तो हमें ऑप्शंस आने चाहिए 2, 3, 4, 1. ए बी सी डी में 2, 3, 4, 1 जहाँ पर अभी आ रहा है, इसका मतलब सेकंड में आ रहा है 2, 3, 4, 1 तो करेक्ट है. ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 108. क्वेश्चन नंबर 109 इज रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट HCl एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सो HCl पी दिया है, किल्स माइक्रोब स्वेलोड अलोंग विद द फूड. ओके, करेक्ट है. इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, ये भी करेक्ट है. स्टमक में जब सिक्रेट होता है तो एसिडिक मीडियम कर देता है. फिर उसके बाद R जो है वो है एक्टिवेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ये भी करेक्ट है. वो प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. और यस दिया है डी एक्टिवेट्स द एंजाइम रेनिन. सो डी एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रेनिन इज नॉट द फंक्शन ऑफ HCl. तो यहाँ पर हमें PQR करेक्ट है, यस इज इनकरेक्ट. सो फोर्थ ऑप्शन PQR इज करेक्ट, यस इज इनकरेक्ट, इट्स द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 110. ठीक है, 110 का देखेंगे अभी. गाउट इज अ डिसीज कॉज्ड इन, ये मसल्स जॉइंट्स में होने वाला डिसीज है गाउट डिसीज, और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड. यूरिक एसिड अगर बॉडी में डिपॉजिट होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसीज है. एक्सक्रीशन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो गाउट होता है, उसको गाउट आर्थराइटिस भी कहा जाता है. ठीक है, सो जॉइंट्स का डिसीज है जिसमें कि यूरिक एसिड का एकुमुलेशन होता है. ऑप्शन हमें थर्ड दिया गया है, इसका सही ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड, यूरिक एसिड, जॉइंट्स एंड यूरिक एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर बायोलॉजी सेक्शन. कुछ क्वेश्चंस अगर छोड़ दे, जैसे कि एक दो तीन क्वेश्चन अगर छोड़ दे हम इसमें से, तो लगभग बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने की थी, सारे पॉइंट्स भी हमारे इसमें आ गए हैं. ठीक है, सो इट वाज अ सिंपल पेपर. ठीक है,
एक अच्छा पेपर था ये। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स क्रैनियल नर्व्स का जो पार्ट है वो स्टेट बोर्ड में ज़्यादा दिया नहीं था, बट वी हैव टेकन इट, ठीक है, हमने वो ले लिया था। सो आई होप कि आपने अच्छे से किया होगा ये, ठीक है। ये सारे इसके आंसर्स हैं, आप चेक कीजिए और जो भी आपका स्कोर आता है उसको चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।